पंजाब के किसान जब खेतों में धान और गेहूं के फानों में आग लगाते थे, तब इस आग का धुआं दिल्ली तक की हवा को खराब कर देता था। लेकिन मार्च 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद धुएं ने लगता है दिल्ली की बजाय पाकिस्तान का रुख कर लिया है। भगवंत मान की सरकार में भी किसान खेतों में धान और गेहूं की नाड़ को बेरोक टोक जला रहे हैं, लेकिन मान साहब इस खबर से बेखबर हैं। अब धुआं अरविंद केजरीवाल की सल्तनत दिल्ली तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि अब दिल्ली और पंजाब दोनों जगह आपकी सरकार है, इसलिए धुएं ने अपना रुख बदल लिया। आपकी सरकार बनने के बाद पंजाब के खेतों में लगी आग के धुएं का असर दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य पर अब नहीं पड़ता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में आपकी सरकार बनने से पहले दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए पंजाब को दोषी ठहराते थे, लेकिन जब से उनकी पंजाब में सरकार बनी है तब से उन्हें वायु प्रदूषण नजर नहीं आ रहा। पंजाब में गेहूं की कटाई के बाद किसान लगातार फानों में आग लगा रहे हैं। इस आग से प्रकृति के साथ साथ जान माल का भी नुकसान हो रहा है। 14 मई को डेराबसी के गांव में किसानों ने गेहूं की नाड़ में आग लगाई, जिससे गांव सुंदरा में श्यामलाल जमीन पर बनी झुग्गियां चपेट में आ गई। इस आग में 1.5 साल की बच्ची जिंदा जल गई। लगभग 40 झुग्गियां इस आग की चपेट में आई थी, जिससे मजदूरों का काफी नुकसान हुआ है। पुलिस ने दफरपुर के किसान जीत सिंह को इस मामले में गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि जीत सिंह ने ही अपने खेतों में आग लगाई थी, जिसके कारण ये पूरा का पूरा हादसा हुआ और एक बच्ची की जान चली गई। जो हादसा होया किस एरिया से होया, कितना कुछ पता लग गया? कारण पदर माणकी पिंड दे नाल इक झुग्गियां हैगियां ने, उरे पिछले काफ़ी सालों तो झुग्गियां बनिया हुई सीगियां। जिवें तुसीं देख रहे हो, उरे आले दुआले जिन्नियां भी झुग्गियां बनिया हुई सीगियां सारिया सड़ के सुआह हो गईयां ने। जो हुण तक अग का कारण लग रहा है कि आले दुआले दे खेतां च अग लगी हुई है, उहदे करके पॉसीबल रीज़न हो सकता है अग लगण दा। इहदे च अनफॉर्चुनेटली एक छोटी बच्ची की डैथ हुई है। एक रामवीर नाम का बंदा है, गरीब बंदा बेचारा रेहड़ी लाउंदा है, उहदी बेटी की डैथ हुई है। सैड इवेंट हैगा आ। असी उरे हैगे हाँ जी, बिल्कुल बॉर्डर के नाल हरियाणा हैगा, हरियाणे की पुलिस भी उरे साडी हेल्प करन लई पहुंची है। फायर ब्रिगेड अपनी हुण पंजाब दियां भी उरे पहुँच चुकियां ने, हरियाणे वालियां भी उरे हैगियां ने, एंबूलेंस भी हैगियां ने। साडी जो पहली प्रायोरिटी है वो यही है कि किसी होर दे परिवार का किसी होर जी का नुकसान ना होवे, क्योंकि जिहड़ा कोई आर्थिक नुकसान है पूरा हो सकता है, ठीक है, जिहड़ा कोई लाइफ का नुकसान है वह जिंदगी पूरा नहीं हो सकता। तो कोई मिसिंग भी दसे जा रहे बच्चे? हजे तक नहीं दसिया जा रहा। जिहड़े उरे मूतवार बंदे हैगे ने उन्होंने यही गल कह रहे हैं दोबारा दोबारा कि एक बार चैक कर लो कि हर परिवार का हर एक जी, कोई सियाणा, कोई बच्चा, बजुर्ग, कोई लेडी, सारे पूरे हैगे ने। जो हुण तक लग रहा है कि भी इस तो अगे कोई होर लाइफ का नुकसान नहीं होएगा, लेकिन फिर भी असं अपने वालों असरटन कर रहे हैं तो अग बुझाने लगे हुए। तो सर जिंदी लापरवाही है, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी जी। जो भी कोई बंदा गिल्टी होएगा ही विल बी पुट टू टास्क, ठीक है, तो जो भी अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन है वो खिलाफ लिया जाए। पिछले दिनों गुरदासपुर के गाँव बिजलीवाल में भी खेतों में लगी आग के कारण एक स्कूल बस चपेट में आ गई थी। स्कूल बस के आग की चपेट में आने से दो बच्चे झुलस गए थे। इन दो बड़े हादसों के बाद भी आपकी सरकार सबक सीखने के लिए तैयार नहीं। ऐसा लगता है कि सरकार ने किसानों को खेतों में आग लगाने की खुली छूट दे रखी है। किसान प्रशासन को ठेंगा दिखा रहे हैं और पर्यावरण के साथ साथ लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। जहरीले धुएं के कारण आंखों में जलन और अस्थमा की समस्या बढ़ रही है। पंजाब में गेहूं की नाड़ में आग लगाने के अब तक 1887 मामले सामने आ चुके हैं। किसान बेखौफ आग लगा रहे हैं, लेकिन आप सरकार किसानों पर एक्शन लेने में लाचार नजर आ रही है।